इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, पिछले 10 साल में अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा, मैं हेडलाइन के लिए नहीं डेडलाइन के लिए काम करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 साल में विकास का बताया अपना एजेंडा, कहा सपनों से आगे संकल्प लेकर चलता हूं, आने वाले सालों में समर्थ सशक्त भारत की गारंटी। मंच से पीएम मोदी ने किया वादा, मैं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में फिर आऊंगा, बोले जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना, कहा कुछ लोग दिन रात देते हैं मुझे गाली, देश उन्हें बोल रहा है सो सॉरी। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पलनाडु जिले में एनडीए की चुनावी बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। गुंटूर में टीडीपी बीजेपी और जनसेना की साझा रैली को संबोधित करेंगे प्राइम मिनिस्टर, एनडीए में टीडीपी के शामिल होने के बाद पहली जनसभा। टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण भी बैठक में भाग लेंगे। 2024 के चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में पहली एनडीए चुनावी बैठक होगी। इस बैठक में 10 साल बाद तीनों गठबंधन सहयोगी टीडीपी जनसेना और बीजेपी शामिल होंगे। लंबे वक्त बाद मोदी नायडू और कल्याण एक मंच पर नजर आएंगे। वहीं पवन कल्याण की जनसेना 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। नायडू ने विधानसभा चुनाव के लिए 128 उम्मीदवारों के नामों की है घोषणा। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव, 4 जून को नतीजे। पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर होगी वोटिंग, साथ ही 10 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर होगा मतदान और इसके साथ ही 4 राज्यों में मतदान प्रक्रिया पूरी होगी। तीसरे फेज में 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर होगा मतदान, साथ ही 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगी वोटिंग। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान, साथ ही 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा होगा मतदान। पांचवें चरण में 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर होगी वोटिंग, साथ में 3 और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में होगा मतदान। छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान, इस चरण के साथ 2 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संपन्न होगा मतदान। सातवां और आखिरी चरण 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान, साथ ही 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी होगी मतदान प्रक्रिया। इस बार चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं, साथ ही लगभग 3.5 लाख सीएपीएफ कर्मियों की तैनाती होगी, 3,40,000। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, कहा आ गया लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार, बीजेपी और एनडीए लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद शुरू हुआ शब्दों का सियासी प्रहार, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा 2.5 महीने तक ठप रहेंगे विकास कार्य। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ईवीएम वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, अधीर रंजन चौधरी ने कहा हम कहें तो नफरत वो कहेंगे तो प्रेम। वहीं बीएसपी ने लोकसभा चुनाव लंबा खींचने का लगाया आरोप, बीएसपी ने प्रेस रिलीज करके कहा लोकसभा चुनाव अगर 3 या 4 चरणों में होगा तो चुनावी खर्चे में कमी आएगी। लोकसभा चुनाव की तारीख को लेकर संजय राउत की प्रतिक्रिया का, देश में चुनाव आयोग ईडी सीबीआई जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे हमको संदेह है। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कि कोविड की विषम समय में भी उनको अमेठी की जनता की याद नहीं आई, अमेठी की जनता नामदार और कामदार में फर्क जानती है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 5वीं सूची, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव समेत 6 नाम घोषित किए गए। वहीं दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा, शराब नीति घोटाले को लेकर हैदराबाद में गिरफ्तारी हुई थी के कविता। कोलकाता में सीबीआई ने शाहजहां शेख के 2 भाई आलमगीर और माफूजा को गिरफ्तार किया, संदेश खाली मामले में अब तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मुंबई के दादर में खत्म हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आखिरी दिन राहुल गांधी के साथ कई नेता नजर आए। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट 18 मार्च को सुनाएगा इस पर फैसला।
लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले गिरिराज सिंह, कहा नहीं है बीजेपी के लिए कोई चैलेंज, इस बार करेंगे 400 पार। नांदेड़ से बीजेपी ने प्रताप पाटिल को बनाया उम्मीदवार, कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन करके रैली का किया आयोजन। इंदौर में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा ईडी आईटी सीबीआई जैसे बीजेपी के पास हथियार, लोगों को डराकर दूसरी पार्टी के नेताओं को बीजेपी अपनी पार्टी में कर रही शामिल। गढ़वाल से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार में बेरोजगारी की महामारी। एसपी सांसद एसटी हसन की चुनाव आयोग से गुजारिश, का इस बार चुनाव हो निष्पक्ष, बीजेपी केवल बोलती है जनता देगी जवाब। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही लखनऊ में सीआरपीएफ और पुलिस जवानों ने शुरू किया फ्लैग मार्च। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर नई पहल, गुरु सोवले के नेतृत्व में डेलीगेशन ने पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात, इंडस रिसर्च फाउंडेशन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने की भारतीय ट्रेड मिशन की शुरुआत। दिल्ली के जंतर मंतर में संदेश खाली की महिलाओं ने किया धरना प्रदर्शन, हाथ में पोस्टर्स लिए नजर आई कई महिलाएं। उधर धनबाद में बालू घोटाला करने के आरोप में पुंज सिंह के ठिकानों पर ईडी रेड, बालू घोटाला मामले में अब तक कई लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। सूरत में रिफाइनरी की पाइपलाइन में पंचर गिराकर ऑयल चोरी करने वालों की खुली पोल, दो ऑयल माफिया को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में गंदे पानी की समस्या से परेशान लोगों ने जल बोर्ड दफ्तर पर किया प्रदर्शन, कहा समस्या का समाधान नहीं निकलते तक करते रहेंगे प्रदर्शन। रामपुर में सीएम योगी ने 610 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, सीएम योगी ने मंच से किया आजम खान पर कटाक्ष। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को लगाई फटकार, अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने को कहा। भीलवाड़ा में 36 दिन का कैसे आया है ना ये मैडम, इसका मतलब ये है कि मानसिकता उनको काम करने की नहीं है, इसलिए 36 दिन तक हम घुमा रहे हैं इसको, अगर नहीं होने वाला तो तुरंत होगा। उधर भीलवाड़ा में उत्तराखंड के सीएम का निजी सचिव बन के करोड़ों की ठगी का मामला, नगर परिषद उपसभापति को बनाया ठगी का शिकार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने लोकसभा में खगड़िया से फिर से पेश की दावेदारी, कहा महबूब अली के कार्यों की जांच होनी चाहिए। जबकि पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 3 सीटों पर मतदान के लिए 25,000 सुरक्षाकर्मी किए जाएंगे तैनात, 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का चुनाव। चुनाव से पहले झारखंड के चंपई सोरेन कैबिनेट ने पारित किए 53 प्रस्ताव, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बड़ा फैसला, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को अब सरकार निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध करवाएगी। उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक के इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ने के दौरान नमाजी को कथित रूप से लात मारने के मामले में 30 जारी कोर्ट ने घटना पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट, 1 मई को होगी अगली सुनवाई। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद बिहार की राजधानी पटना में हुआ एक्शन, हटाए जाने लगे सरकारी विज्ञापनों के होर्डिंग्स पोस्टर्स और बैनर्स। कानपुर में आईआईटी कानपुर की मदद से तैयार हुआ अनोखा ड्रोन, और ये ड्रोन समुद्र हो या बाढ़ अब हर जगह जान बचा लेगा, आईआईटी का ड्रोन डूबने वालों को खुद खोज कर बचा लेगा इनकी जिंदगी। राजस्थान झालावाड़ में फगोत्सव के तहत भजन संध्या पर झूमे दर्शक, भजन के साथ साथ फूलों की होली के बीच हुई इत्र की बारिश। अयोध्या में गीत संगीत के बीच फूलों और गुलालों की होली पर थे लोग, जगतगुरु परमहंस और साधु संतों ने रामलला के साथ भी खेली। मदुरई में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पंगुनी उथिरप उत्सव की धूम, दूर दूर से पहुंचे दर्शनार्थी। जबरदस्त बर्फ के आगोश में लिपटा हुआ बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ मंदिर का परिक्रमा स्थल और सभा मंडप में जमी है जबरदस्त बर्फ। इधर मथुरा में हेमा मालिनी पहुंची होली मिलन समारोह में, लोगों ने किया स्वागत, हेमा मालिनी ने खेली फूलों की होली। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली के सोलंग में हुई ताजा बर्फबारी। मध्यप्रदेश के रायसेन में तोप चलाने की परंपरा है, यहां तोप की आवाज सुनकर मुस्लिम समाज के लोग रोजा खोलते हैं, 305 साल पुरानी यह परंपरा आज भी कायम है। राजस्थान के करौली में जिले के सभी मंदिरों में होली की धूम, ब्रह्मा ऋषि आश्रम में मनाया गया होली महोत्सव, श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को लगाया गुलाल। मथुरा श्रीकृष्ण जन्म स्थान पर होने वाली होली की सभी तैयारियां हुई पूरी, 20 मार्च को होने वाली लठमार होली के लिए भी लगी है सैलानियों की भारी भीड़।
गाजीपुर में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, रिश्तेदार ही निकला मास्टरमाइंड, ससुराल में साथियों संग मिलकर की थी चोरी। सिवान में बंद कमरे से मिली युवक की लाश, जांच कर रही पुलिस। जबलपुर में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने किया खुलासा, मृतक की बेटी के भी आरोपी के साथ मिले होने की खबर आई। हमीरपुर में जेल में कैदी ने कर लिया आत्महत्या, मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने जताया विरोध। फाजिलका में जमीन विवाद को लेकर पोते ने की दादा की हत्या, पुलिस ने आरोपी पोते को इस मामले में गिरफ्तार किया है। अलवर में कई दिनों से आरोपी से चल रहे विवाद में पीड़ित महिला ने खुद को पेट्रोल डालकर जला लिया, आरोपी ने खुद महिला को बचाने का प्रयास किया, आरोपी के हाथ में झुलसे। आरा में दो बड़े बालू कारोबारियों की आवास सहित कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है, ईडी ने सभी लोगों को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में गिरफ्तार करके भेज दिया जेल। दौसा में स्कूली बच्चों से भरी बस में पैदल जा रहे एक मासूम छात्र को टक्कर मारी, मासूम की मौत पर लोगों ने किया बवाल। बहादुरगढ़ में एक युवक को बेरहमी से पीटा, पूरी घटना का वीडियो वायरल। उधर मोतिहारी में छात्रवृत्ति नहीं मिलने से नाराज हुए छात्र, सैकड़ों छात्रों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। झांसी में पुलिस ने मृत महिला को खोज निकाला, कोर्ट के आदेश पर लिखा गया था हत्या का मुकदमा। फरीदकोट में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, तीन बदमाश पुलिस की गोली से जख्मी बताए जा रहे हैं। फतेहपुर में लगातार छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने किया आत्महत्या, परिजनों की गैर मौजूदगी में घर में खुद को लगा ली आग, छेड़छाड़ करने वालों की जांच में जुटी पुलिस। जबकि जालौन में महिला पुलिसकर्मी से रेप करने के आरोप में कांस्टेबल पर केस दर्ज हुआ है। फाजिलका में पुलिस ने किया आत्महत्या के मामले का खुलासा, ससुराल वालों से तंग आकर शख्स ने लगाई थी खुद को आग। अंबाला में रेल कर्मचारियों के लिए खड़े डिब्बे में अचानक आग लग गई, खाना बनाने के दौरान एक सिलेंडर के ब्लास्ट होने की खबर। कानपुर में मात्र 2000 रुपए के लिए कुछ दबंगों ने की एक छात्र की पूरी तरह से पिटाई, मारपीट का पूरा वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में सेना भर्ती प्रक्रिया में मेडिकल टेस्ट पास करने की एवज में रिश्वत लेने का मामला सामने आया, पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। जबकि जमशेदपुर में भारी मात्रा में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री का पुलिस ने किया खुलासा, जेल भेजे गए सभी तस्कर। खबर जहानाबाद से, खुदाई के दौरान मिली भगवान की मूर्ति को लेकर हुआ बवाल, ग्रामीण ने सड़क किया जमकर, पुलिस पर पथराव। भुवनेश्वर में प्रेम प्रसंग के चलते गई एक युवक की जान, वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप। पटना में एक युवक का शव मिलने से हत्या के मामले में खुलासा हुआ, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिल्म क्रू का नया ट्रेलर रिलीज हुआ है, नए ट्रेलर में क्रू की कहानी और बेहतर ढंग से पेश की गई है, 29 मार्च को यह फिल्म रिलीज होने जा रही है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सोशल मीडिया स्टार ओरी शामिल, अभिषेक बच्चन जल्द आएंगे नई फिल्म में नजर, फिल्म मेकर सुजीत सरकार के साथ करेंगे काम। एक दूसरे के हुए पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा,